मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। मऊ शहर में कोरोना महामारी से लॉकडाउन होने से कुछ इन मोहल्लों में जैसे कछुआ पूरा, मटिया टोला, खटीक टोला, हरकेश पूरा, बल्ली पूरा, छेदा पूरा, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। समाज में कोई छोटा हो या बड़ा सब्जी लाकर, जरूरत की चीजें लाकर मुहैया करा रहे हैं, चाहे किराना हो या दूध हो या मेडिसिन हो, कोई दिक्कत नहीं है और उसमें प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला है। वही देखा जाए तो ठेला दुकानदार ने बताया हरा मिर्च 50 रुपए किलोग्राम, लौकी 30 रुपए किलोग्राम, आलू 100 रुपए में, 5 किलोग्राम टमाटर 35 रुपए एक किलोग्राम, खीरा 1 किलोग्राम 20 रुपए, पालक 30 रुपए किलोग्राम, बैगन 35 रुपए किलोग्राम, सब उचित दाम पर मिल रहे हैं। लोग अपने घरों से निकलकर जरूरतमंद सामान ले रहे हैं, साथ ही साथ सरकार के आदेश का भी पालन हो रहा है। मऊ से मोनिका राय की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी कमलेश कुमार सोनकर, मैं पूर्व छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ, मोहल्ला मठिया टोला में मेरा घर है। यहाँ पे सब्जी के लिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सब्जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। जो हमारे सब्जी व्यापारी, हमारे सोनकर समाज के लोग हैं, वो अपना ठेला लगा रहे हैं, आज जिस रेट से उनको सूची दी गई है उस रेट से वो मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, सबके दरवाजे पर पहुँच कर सही रेट के हिसाब से उनको बेच रहे हैं। सबके यहाँ सब्जी पहुँच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लल्लू प्रसाद सोनकर, मठिया टोला का निवासी हूँ। लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, सारी के सारे समाज को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना सब्जी ले आकर के सब्जी वगैरह जरूरत की चीजों को मुहैया करा रहे हैं, चाहे किराना हो, चाहे दूध हो, चाहे सब्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है। सब्जी उचित मूल्य पे मिल रही है? उचित मूल्य पर, एकदम उचित मूल्य पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है, मैं भारतीय जनता पार्टी नगर मऊ का मंत्री हूँ और मैं ब्राह्मण टोला उत्तर का निवासी हूँ। और हमारे यहाँ मोहल्ले में अभी तक तो कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है, थोड़ी सी बस सफाई की समस्या दिखाई दे रही है, मच्छर आदि परेशान करते हैं। और सब्जी है, फल है, दवा है, सब कुछ आसानी से मिल जा रहा है, सही रेट से मिल रहा है और कोई समस्या नहीं है। और जो लोग समस्या लेके आते भी हैं उनका हम लोग निदान करने की कोशिश करते हैं। और बाकी सारा सब कुछ सही है, सब लोग सफाई का ध्यान भी रख रहे हैं, दूरी बना के भी रह रहे हैं। और हमारे मोहल्ले और आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे जिनको भी जो जरूरतमंद है, जिनको कोई भी समस्या हो, हमारा टोल फ्री नंबर